7 लाख करोड़ कितना? 7.5 लाख करोड़। न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को उन सबके खाते में सीधा पैसा जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी अभी की ताजा जानकारी आ रही है। पेंशनर्स, आप सभी को मिलेगी मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 9000 प्लस डीए। तो कब मिलेगी? सरकार ने आखिरी पूरा फैसला जारी क्या किया है, यानी कि मोदी सरकार ने आज लाइव आकर के सभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की है, यानी कि एक नया अपडेट आया है आपकी पेंशन को लेकर। अब आपको मिलेगी पेंशन क्या, 9000 रुपए प्लस में महंगाई भत्ता, या फिर 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी, या 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इनके बारे में आपको आगे वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तो आखिर पूरा अपडेट क्या है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, पास ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट और ईपीएस पेंशन से जुड़ी जो नई नई अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो वित्त मंत्रालय का आपकी पेंशन को लेकर का बड़ा ऐलान जारी हो चुका है, यानी कि आपको कितनी अब पेंशन मिलेगी। तो पेंशन 9000 रुपये प्लस डीए मिल सकती है 25 तारीख तक भी, उस दिन आपकी पेंशन को लेकर हो सकती है एक बैठक। उसी बैठक के अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी का यह ऐलान स्वीकार भी किया जा सकता है, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी के फैसले पर स्वीकृति मिल सकती है। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है कि 25 तारीख को एक आपकी पेंशन को लेकर सीबीटी की बैठक हो सकती है। उसी बैठक के अंदर आपकी पेंशन को 1000 रुपये की राशि है उसे बढ़ाने पर यानी कि चर्चा हो सकती है। इस तरह की जानकारी आ रही है सभी पेंशनधारकों के लिए।